हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट पर। 100 डे कनेक्शन सीरीज के अंदर मैं काफी समय से कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं किसी न किसी वजह से अपनी वेबसाइट के अंदर नए नए टूल्स ऐड करने में बिजी था। तो आज उसको सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और डे 7 के अंदर देखते हैं कि क्या है जो हम नया आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, कुछ चीजें अपने बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैं पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट का फाउंडर हूं, जीरोदा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूं, अपस्टॉक का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूं। तो जिन्हें जीरोदा और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाने होते हैं वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और मैं पर्सनली फोन कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करिएगा या ईमेल करिएगा। और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जीरोदा या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं डे 7 के अंदर हम क्या चीज देखेंगे। देखिए, डे 7 के अंदर हम कोई बेसिक चीज, बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पर एक थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है ये, जिसको मैंने नाम दिया है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। तो अगर आप कोई बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग देख रहे हैं तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए ना हो। तो अगर आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप अगर न्यू कमर हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आप थोड़े समय के बाद देखिए, तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वीडियो जो है बेसिकली इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बताई गई है। उस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से अपने ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे ये चीज को यूज करके, लेकिन यह है कि आप अपना पैसा कम गवाएंगे अगर आप पैसा गवा रहे थे तो, और अगर आप पैसा कमा रहे थे तो हो सकता है इसको यूज करके थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस चीज को यूज करके आप हर रोज और हर दिन और हमेशा पैसा ही कमाएंगे। ये बेसिकली वीडियो एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बनाया गया है ताकि लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता चल सके। कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड करी है ताकि आपको पता चल सके कि ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूं या किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप फ्री हैं, आप इसके अंदर अपनी खुद की और कैलकुलेशंस और एनालिसिस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को बाकी अपने सोशल ग्रुप्स, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, या अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके। अगर आप कुछ सीखते हैं तो कोशिश कीजिए उस चीज को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन एन ऑफिशियल एक्सचेंज एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है। ओपन इंटरेस्ट एक वो नंबर है जो आपको बताता है कि एक्सचेंज के अंदर इस समय कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन पड़े हुए हैं। एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। सपोज मार्केट के अंदर तीन लोग काम कर रहे हैं, राम, श्याम और घनश्याम। मिस्टर राम को निफ्टी के अंदर बुलिशनेस नजर आती है तो वो निफ्टी का बाय करना चाहते हैं। मिस्टर श्याम को बेरिशनेस नजर आती है तो मिस्टर श्याम जो है वो सेल करना चाहते हैं, और मिस्टर घनश्याम जो है उनको अभी कुछ नहीं कर लगता है, उनको लगता है कि निफ्टी यहीं की यहीं रहने वाली है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब क्योंकि राम को बाय करना है और श्याम को सेल करना है, इसलिए वो एक्सचेंज में जाएंगे और मिस्टर राम जो है अपना एक ऑर्डर डालेंगे कि मुझे वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर बाय करना है। साथ ही साथ श्याम जो है उसको सेल करना है, वो एक्सचेंज में जाएगा, अपना एक ऑर्डर डालेगा कि मुझे वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर सेल करना है। जब एक बायर और एक सेलर होते हैं तो मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मतलब राम ने एक फ्यूचर बाय कर लिया और श्याम ने एक फ्यूचर सेल कर दिया। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। हालांकि यहां पे दो लोग इन्वॉल्व है, एक ने बाइंग करी है, एक ने सेलिंग करी है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो होगा वो सिर्फ वन होगा, क्योंकि एक ने बाय किया है तो एक ने सेल किया है। इस तरीके से वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन पोजीशन बढ़ गई है। अगर आप राम के पोजीशंस बुक में देखेंगे तो राम की एक पोजीशन ओपन दिखाई देगी, अगर आप श्याम की पोजीशन बुक्स में देखेंगे तो श्याम के अंदर में भी एक पोजीशन ओपन दिखाई देगी। इसीलिए इसको वन ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट गेट्स इंक्रीज्ड बाय वन। ओके, सिमिलरली
अगले दिन घनश्याम को लगता है कि निफ्टी बढ़ने वाली है, लेकिन रोज जो राम था जिसने पहले दिन बाय किया था उसको लगता है अब निफ्टी थम जाएगी, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं होगी। तो शाम को लगता है कि अभी भी निफ्टी गिरेगी, तो शाम अपनी सेल पोजिशन होल्ड करके रखता है। राम जो है वो अपनी लॉन्ग पोजिशन के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेता है और घनश्याम को लगता है कि अब मार्केट बुलिश हो गया है तो बाय करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे राम जो है जिसने पहले बाय किया था वो घनश्याम को सेल कर देता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे राम सेल कर रहा है और घनश्याम बाय कर रहा है, लेकिन जो श्याम था जिसने सेल किया था वो वहां का वहीं अपनी पोजीशन के साथ बैठा हुआ है सेलिंग में। तो अब यहाँ पे राम और घनश्याम ये दोनों अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो राम की पोजिशन बुक में क्या दिखाई देगा? जीरो, क्योंकि उसने पहले बाय करके रखा था और अभी सेल कर दिया, और घनश्याम जो है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था उसने अभी बाय कर लिया। तो अभी क्या पोजीशन हो गई है कि जो श्याम है उसके पास में वन सेलिंग पोजीशन है और घनश्याम जो है उसके पास में वन बाइंग पोजीशन है। इस केस में भी कोई नया ओपन पोजीशन क्रिएट नहीं हुई है, सिर्फ राम ने अपना निफ्टी फ्यूचर का जो लॉट है वो मिस्टर घनश्याम को पास ऑन कर दिया है अपना प्रॉफिट बुक करके। तो इस केस में भी ओपन इंटरेस्ट वन का वन ही रहेगा। जब तक कोई दो नए पार्टिसिपेंट मार्केट में आकर ट्रेड ना करे तब तक, या जब तक दो लोगों की पोजीशंस इंक्रीज ना हो साथ ही साथ में तब तक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है। ओपन इंटरेस्ट को इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर, जैसा ये नाम बताता है, ओपन इंटरेस्ट कितने लोगों का इंटरेस्ट अभी तक ओपन है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है? तो जब तक लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज में वो उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करते। ओके, तो जब लोगों को इंटरेस्ट आएगा तो वो बाय करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जब किसी कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो लोगों को लगता है कि, या जब कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है तब लोगों को लगता है कि नहीं, इस कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी की कंपनी के अच्छे रिजल्ट आने वाले, कंपनी बहुत बढ़ोतरी करने वाली है। उस समय क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ यूजर्स को लगता है कि ऊपर जाने वाला है इसलिए वो बाइंग करते हैं, और कुछ नंबर ऑफ यूजर्स को लगता है कि इसका कंपनी का रिजल्ट गलत आने वाला है, खराब आने वाला है, तो नीचे जाने वाला है। तो जब रिजल्ट का समय होता है तब लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। तो क्या होता है, उसकी अचानक से उसकी ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरेस्ट का। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जहां पे ओपन इंटरेस्ट को ग्राफिकल एनिमेशन के थ्रू बताया गया है, या आप जीरोधा के वॉर सिटी पेज में जाके भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पे एनिमेटेड तरीके से या पूरा आपको एनिमेशन के साथ बता सकूं या बहुत डिटेल में बता सकूं कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि कितने ओपन पोजीशंस, कितने पोजीशंस ओपन रहते हैं, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितने लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है इसका मतलब उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है, उसके अंदर आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए, उस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ईजी होता है, आप उसको बहुत लिक्विड कहा जाता है। जिसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है उसे ये भी कहा जाता है कि ये बहुत लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके इनके ओपन इंटरेस्ट हमेशा सबसे टॉप पर ही रहते हैं, इसलिए इसके अंदर हमेशा आप देखेंगे कि 50 पैसे 25 पैसे 5 पैसे में बायर और सेलर खड़े रहते हैं। आपको जब चाहे आप इसको खरीद सकते हैं, जब चाहे आप बेच सकते हैं, तो क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत यूज होता है। ओके, अब देखते हैं कि इसको इंटरप्रिट कैसे किया जाता है। इंटरप्रिटेशन जो होता है ओपन इंटरेस्ट का, या तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा या ओपन इंटरेस्ट कम होगा। जब लोग अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर देते हैं तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। ओके, अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। इसको आप कहीं पे भी, चाहे विकिपीडिया होगा, चाहे इन्वेस्टोपीडिया होगा, चाहे और भी बहुत सारे फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर भी मिल जाएगी। ये सारी जो डिटेल्स है, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट का प्राइस बढ़ती है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस बढ़ती है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, इसका मतलब वो चीज बुलिश है, मतलब वो चीज और ज्यादा बढ़ने वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है, मतलब उसकी प्राइस जो है और ज्यादा ऊपर जाएगी। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर किसी स्क्रिप्ट की प्राइस गिरती है और उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब प्राइस गिर रही है लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये स्क्रिप्ट को गिर रहे हैं, स्क्रिप्ट का भाव प्राइस जो है वो कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी
लोग उसके अंदर पोजीशन बनाते जा रहे हैं, इसका मतलब वो स्क्रिप्ट बेरिश है, लोग उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करते जा रहे हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही है, तो उसको कहा जाता है बेरिश सिग्नल। कि अगर प्राइस गिर रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको बेरिश नेगेटिव कहा जाता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर किसी स्क्रिप्ट की प्राइस बढ़ रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये कब होता है? जब ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट एक अप ट्रेंड के अंदर होती है या बुलिश में होती है, उस समय अगर उसकी प्राइस बढ़ती जाती है लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज की प्राइस जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजिशन बनाई थी, अब वो धीरे 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 करके अपनी पोजिशन खत्म कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। यही होता है एक्चुअली मार्केट में, जब बड़ी मछलियां आती हैं छोटी मछलियों को खाने के लिए, वो पहले तो जब मार्केट उस प्राइस चीज की प्राइस जब कम होती है तब वो उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा देती है और प्राइस बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे कि सभी लोगों का डाइवर्शन माइंड उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जब कोई चीज एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है उसके बाद में क्या होता है कि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कभी नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसका ओपन इंटरेस्ट कम होता है। मतलब जिसने एक साथ 1 करोड़ शेयर बाय किए थे वो एक साथ 1 करोड़ शेयर सेल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक साथ 1 करोड़ शेयर सेल करेगा तो उसकी प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो वो बड़ी मछली जो है, बड़ा आदमी जो है, वो क्या करता है, वो धीरे 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 हर रोज 1-1 लाख शेयर सेल करेगा या 5-5 लाख शेयर सेल करेगा। उस तरीके से उसका 10-15 दिन के अंदर या 5-10 दिन के अंदर उसकी सारी पोजिशन खत्म हो जाएगी। अब जब वो पोजिशन खत्म करेगा तो सामने कोई ना कोई पोजिशन बाय करेगा, क्योंकि उसमें हो सकता है किसी ने पहले सेल किया हो, उसको अब लॉस हो रहा हो तो अपना लॉस बुक कर रहा हो। तो इस तरीके से ओपन पोजीशंस जो है वो धीरे 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 कम होती जाती है। जब इस तरीके का सिनेरियो होता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो बुलिश ट्रेंड है वो अब बदलने वाला है, बुलिश ट्रेंड का अंत आ चुका है। इसको बहुत से नाम दिए जाते हैं, जैसे बुलिश रिवर्सल कहा जाता है, इसको कहा जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जब आप बहुत से टीवी न्यूज चैनल देखेंगे, बिजनेस न्यूज चैनल देखेंगे, सुबह सुबह कहा जाता है कि इस कॉल के अंदर, इस पुट के अंदर, इस फ्यूचर के अंदर, इस फलाना टिमका के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है या पुट अनवाइंडिंग हुई है या फ्यूचर अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब जो पोजीशन वो लोग लेकर खड़े थे उस पोजीशन को वो अनवाइंड करते जा रहे हैं, उन पोजीशन को क्लोज करते जा रहे हैं। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि लॉन्ग लिक्विडेशन, मतलब जो लॉन्ग में खड़े थे वो अपना स्टॉक्स जो है वो लिक्विडेट कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस एंड देयर इज अ फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब देयर इज अ चांसेस ऑफ एंड ऑफ बुलिशनेस, एंड ऑफ अप ट्रेंड, मार्केट अब या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या मार्केट अब गिरने की तैयारी पे है। ओके, मतलब गिरने की तैयारी, मतलब गिरने के पहले वो पहले रेडी होगा, तो वो अभी ट्रेंड रिवर्सल के मौके, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है। सेकेंड चीज होती है कि फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब प्राइस गिर रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है। किसी भी चीज की प्राइस अगर गिर रही है लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, मतलब ये एक सिनेरियो एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसके पहले वाले सिनेरियो का। इसमें किसको कहा जाता है बेरिश रिवर्सल या शॉर्ट अनवाइंडिंग या शॉर्ट लिक्विडेशन, मतलब प्राइस काफी हद तक अब गिर चुकी है, अब और गिरने वाली नहीं है। तो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट सेलिंग करके रखी थी, अब वो धीरे धीरे अपनी पोजिशन कवर करेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे करेंगे इसलिए प्राइस को वहां का वहां ही रखेंगे, ज्यादा प्राइस को ना तो बढ़ाएंगे ना गिराएंगे। इसलिए फॉल इन प्राइस जो है वो धीरे धीरे फॉल होती रहेगी, प्राइस गिरती रहेगी और वो अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करते जाएंगे। जब ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए और प्राइस गिरती रहे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब प्राइस यहां से रिवर्स होने वाली है, यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या फिर वो रेंज बाउंड में चला जाएगा, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट उस चीज में से खत्म हो रहा है, उस डायरेक्शन में से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 फंडे होते हैं, 4 रूल होते हैं, जो आप कहीं पे भी स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है ओपन इंटरेस्ट का, आप चाह कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी और ज्यादा डिटेल में भी आप चाहें तो शायद पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सारा चीज आपको बता दूं इसके अंदर। तो ये तो हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। अब देखते हैं कि इस चीज को आप ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, ऑप्शंस के अंदर 2 चीज होती है, कॉल होता है और पुट होता है। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कॉल जो होता है वो तब काम आता है जब आपको लगता है कि कॉल बेसिकली अप ट्रेंड का सिंबल है और पुट जो है वो डाउन ट्रेंड का सिंबल है, इतना आप समझ लीजिए। अब उसके बाद में ऑप्शंस के जो
ओपन इंटरेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ऑप्शंस के अंदर जो है, अगर कॉल को हम ले तो कॉल का, अगर कॉल को सी भी कहा जाता है, सीई, ठीक है, तो अगर सी या कॉल की प्राइस अगर बढ़ रही है और साथ ही साथ उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि अब कॉल की प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाली है या मार्केट और ज्यादा बुलिश हो रहा है। उसको और भी दूसरे टर्म में कहा जाता है लॉन्ग बिल्डअप। ये मैं आपको आपको इस टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा होगा कि राइट साइड में हेडर लिखा हुआ है अपस्टॉक मैसेज। अब ये सारे डेटा को आप अपस्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत ही रेडीमेड तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। वो आपको कुछ ही समय के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसके अंदर यूज करके आप अगर ऑप्शंस के अंदर या एक्सपायरी वाले दिन में या बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। डेफिनेटली वो 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो पहले लेफ्ट साइड वाला कॉलम देख लेते हैं। तो पहला वाला हमने देख लिया, अगर कॉल की प्राइस बढ़ रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब आप और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। कॉल की प्राइस घट रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब आप बेरिश रिवर्सल है, आप लोग कॉल के अंदर अपनी पोजीशन खत्म कर रहे हैं या उसके अंदर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फॉल इन कॉल की, मतलब कॉल की प्राइस कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कॉल की प्राइस तो कम होती जा रही है साथ में उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, मतलब लोग जान पूछ कर वो प्राइस गिर रही है फिर भी अपने अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब कि लोग कॉल को राइट कर रहे हैं, मतलब देयर इज कॉल राइटिंग हैपनिंग, कॉल के अंदर लोग सेलिंग करते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अब थर्ड सिनेरियो है कि राइज इन कॉल प्राइस एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब कॉल की प्राइस बढ़ती जा रही है और ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसका मतलब कि कॉल की प्राइस बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा उतनी तरीके से। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी मछलियां थी वो अब, जिन्होंने कॉल बाय करके रखी थी, वो धीरे 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 उसमें से बाहर निकल रहे हैं ताकि वो एक साथ मार्केट को रिवर्स कर सके या मार्केट को रेंज बाउंड में लेके आ सके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेंज बाउंड मोमेंट, रेंज बाउंड मार्केट का सिम्टम होता है या अप ट्रेंड का रिवर्सल का सिग्नल होता है। इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसके अंदर इसका मीनिंग हो गया कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग इज हैपनिंग और स्टार्ट ऑफ कॉल राइटिंग, या तो लोग अपनी कॉल जो बाय करके रखी थी उसमें से बाहर निकल रहे हैं या नई पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, मतलब छोटी छोटी पोजीशन भी बिल्डअप कर रहे हैं, कॉल राइटिंग की शुरुआत हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो का आप उस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इसको अपस्टॉक के अंदर कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो सॉरी इसको ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, ये चीज ऊपर नीचे होनी चाहिए थी। तो इसको यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी कि यहाँ ऊपर नीचे हो गया था। तो बेसिकली अगर प्राइस बढ़ रही है कॉल की और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मतलब लॉन्ग पोजीशन अब लिक्विडेट हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। सिमिलरली अगर कॉल की प्राइस घट रही है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, इसका मतलब जिन्होंने शॉर्ट करी थी, जिन्होंने कॉल की प्राइस जो है राइट करा था कॉल को, वो अब बाय करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग, मतलब जिन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा था वो अब उसको कवर कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए शॉर्ट कवरिंग, which is basically a symptom of trend reversal in the bullish side, मतलब जो पहले मार्केट नीचे जा रहा था अब लग रहा है लोगों को कि वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ा अलग होता है कॉल के अंदर, और पुट के अंदर थोड़ा इंटरप्रिटेशन अलग होता है, और फ्यूचर्स में अलग इंटरप्रिटेशन होता है। ये जो मैंने आपको पहली वाली स्क्रीन बताई थी, ये बेसिकली नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है या फ्यूचर्स के लिए है इंटरप्रिटेशन। अब कॉल का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है, और यहां पे मैं आपको पुट का इंटरप्रिटेशन बताऊं, यहां पे मुझे थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि ऑप्शंस में पुट का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा। देखो पुट जो होता है वो सिंबल होता है बेरिशनेस का, मार्केट नीचे जाने का। तो जब लोग
पुट को बाय करते हैं इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, जब लोग पुट को सेल करते हैं मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है। तो अब यहां पे इसी बेसिस पे इंटरप्रिटेशन देखिए, राइज इन प्राइस ऑफ पुट एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब किसी भी पुट का प्राइस बढ़ रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब लोग पुट के अंदर माइन करते जा रहे, मतलब मार्केट अब गिरने वाला है या और ज्यादा गिरने वाला है, विच इज अ बेरिश सिग्नल, मतलब लोग पुट्स को बाय कर रहे हैं। इसको अपस्टॉक के अंदर नाम दिया गया है लॉन्ग बिल्डअप, इसको या अपस्टॉक के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है लॉन्ग बिल्डअप, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है पुट के अंदर, मतलब पुट के अंदर लोग अपनी पोजिशन बनाते जा रहे हैं, मतलब मार्केट बहुत गिरने वाला है। ओके, अगर फॉल इन प्राइस ऑफ पुट एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट, अगर पुट की प्राइस कम होती जा रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब पुट की जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं, तो बड़ी मछलियां जो है वो क्या करेगी, वो बेसिकली थोप रही है माल को, क्योंकि हम जैसे छोटे लोग जो होते हैं वही तो खरीदते हैं, बड़े लोग तो सेल करते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ घट रही है ऑप्शन की, तो हम क्या जनरली टेंडेंसी होते हैं, बहुत सस्ते में मिल रहा है बाय कर लो, अरे बहुत सस्ते मिल रहा है बाय कर लो। तो जब इस तरीके का सीनेरियो आए कि पुट की प्राइस कम होती जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक बुलिश सिग्नल है। बुलिश सिग्नल मतलब अब पुट की प्राइस और ज्यादा गिरेगी। अब जब पुट की प्राइस गिरती है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। आप जरा कॉल और पुट के बारे में थोड़ा इतना बेसिक समझ लीजिए कि उसकी प्राइस अप एंड डाउन कब होती है। तो जब पुट की प्राइस कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लोग पुट के अंदर बाइंग करते जा रहे अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी उसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप करते जा रहे हैं, मतलब उस प्राइस गिर रहा है, अगर पुट का प्राइस कम हो रहा है और उसमें फिर भी पोजीशंस बढ़ रही है, मतलब बड़े लोग उसको सेल करते जा रहे और रिटेलर्स उसको बाय करते जा रहे हैं इस उम्मीद में जो कभी ना कभी बढ़ेगा, लेकिन कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो पुट की प्राइस जो है वो कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब इट इज अ बुलिश सिग्नल। अब डाउन ट्रेंड जो है खत्म हो रहा है, अप ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अप ट्रेंड मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। शॉर्ट बिल्डअप, अपस्टॉक के अंदर इसको कहा जाता है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप इन व्हाट, शॉर्ट बिल्डअप मतलब इसको कंफ्यूज मत होइए कि शॉर्ट मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। ये जो शॉर्ट बिल्डअप है ये पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब पुट के अंदर लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं। जब पुट के अंदर लोग शॉर्ट करेंगे मतलब मार्केट उनको लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। ओके, थर्ड कंडीशन है कि राइज इन पुट और राइज इन पीई एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब पुट की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, मतलब इट इज अगेन अ केस ऑफ पुट अनवाइंडिंग। लोगों को अब लग रहा है कि मार्केट और नीचे नहीं जाने वाला है, इसलिए बड़े बड़ी मछलियां जो है, बड़े बड़े लोग जो है वो जिन्होंने ऑप्शन को राइट करके रखा था, सॉरी पुट जो खरीद के रखी थी, उस पुट में से वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती है वो कभी भी नुकसान करके नहीं निकलती, वो हमेशा प्रॉफिट करके ही निकलती है। तो वो क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ा देते हैं एक साथ पुट की, जब मार्केट बहुत नीचे गिर गया और पुट की प्राइस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो वो धीरे 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 उस पुट को बेचना चालू कर देंगे, उनको दूसरे लोगों को थमाना शुरू कर देंगे और अपनी पोजिशन से बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे काम बताया गया है कि जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी पुट के अंदर उसको लिक्विडेट किया जा रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, पुट अनवाइंडिंग हो रही है, पुट की बाइंग पोजीशन को सेल किया जा रहा है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड है स्टार्ट ऑफ पुट राइंडिंग, मतलब लोग अभी पुट को राइट करना शुरू कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ साइन ऑफ पुट अनवाइंडिंग या पुट राइटिंग, मतलब अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगा, अब यहां से ऊपर जाने वाला है, मार्केट रिवर्स होने वाला है। ओके, फोर्थ पॉइंट, फॉल इन पुट एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। अगर पुट की प्राइस कम हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, मतलब लोग पुट को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, एक रेंज बाउंड मूवमेंट की तरफ आ रहा है, या जिन लोगों ने पुट को सेल करके रख दिया था अब वो उस पुट को बाय कर रहे हैं, उस पुट की बाइंग कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्योंकि शॉर्ट करके रखा था जब, तो ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका था, लेकिन अब पुट की प्राइस कम होती जा रही है तो लोग अपना, जिन्होंने राइट किया था, जो सेल किया था, वो अपना लॉस बुक करते जाएंगे या बेसिकली वो पुट को बाय करते जाएंगे। तो ये एक ऐसा फेज होता है जब फॉल इन प्राइस, मतलब जब ये एक ऐसा फेज है जहां पर पुट की प्राइस कम हो रही है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है,
मतलब आप समझ लीजिए कि लोग उसको धीरे 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 जो है वो एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एक लेवल ऐसा आता है कि जब बड़ी बड़ी मछली है उसको इतना एक्यूमुलेट कर लेती है कि वो एक साथ इतने झटके में उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं कि बाद में जो है वो ओपन इंटरेस्ट फॉल इन ओपन इंटरेस्ट की जगह राइज इन ओपन इंटरेस्ट हो जाता है और फॉल इन पी की जगह राइज इन पी हो जाता है। तो प्राइस पुट की बढ़ने लग जाती है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और फिर वो बुलिश ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर पुट की प्राइस कम हो रही है, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, मतलब लोग पुट में से अपनी शॉर्ट पोजिशन खत्म कर रहे हैं, आप उसको नई बाइंग पोजिशन क्रिएट करते जा रहे हैं। ओके, सो अपस्टॉक्स के अंदर इसको नाम दिया गया शॉर्ट कवरिंग ऑफ पुट पोजीशंस। ओके, अब देखिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप अपस्टॉक्स के अंदर रेडीमेड तरीके से यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अपस्टॉक्स के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो ये मेरा इंट्रोड्यूसर कोड है 108626, इसको यूज करके आप ओपन करवा सकते हैं अकाउंट अपस्टॉक्स के अंदर। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, आपको मेरे वेबसाइट का टूल्स यूज करने का एक्सेस मिल जाता है। तो अभी हम देखते हैं अपस्टॉक के अंदर जाके के किस तरीके से दिखता है। देखिए ये अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन दिखता है। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से विजेट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको जैसे करना है। यहाँ से आपको अगर आपका ऑलरेडी अपस्टॉक के अंदर अकाउंट है तो आप यहाँ पे प्लस साइन में जाइए, और ध्यान रखिए इसको आप गूगल क्रोम के अंदर यूज कीजिए क्योंकि गूगल क्रोम में ही अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता है। यहाँ पे आप प्लस साइन में जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन नजर आएगी, आप ऑप्शन चेन में जाइए, बाय डिफॉल्ट वो निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करेगा। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शंस एक्सपायरी ओपन कर लेता है जो लेटेस्ट एक्सपायरी है, और यहाँ पे आपको उसका पूरा ऑप्शन चेन मिलेगा, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, और आप जब इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी। ये परफॉर्मेंस के अंदर आपको दिखाई देगा कि कौन सी पर्टिकुलर ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, ये सब चीजें मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि अगर इतना सारा चीज कवर करूंगा तो एक तरीके से खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये ओपन इंटरेस्ट का, और इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसका मैं कॉल और पुट के अंदर इसको डाल दिया तो उसको और किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, पहले ही आदमी का दिमाग चकरा जाता है, ये सब इतनी सारी चीजें मिल जाती है। तो ये जो चीजें हैं इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, या आप चाहें तो इसके बारे में कहीं और भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और भी ये चीजें जो है इसके बारे में आपको इंटरनेट पे काफी कुछ मटेरियल मिल जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, यहां से आप अपनी एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया यहां से, अब इसको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी यूज करने के पहले, स्ट्रेटेजीज बताने के पहले, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है बहुत इजी तरीके में आपको अपस्टॉक के अंदर अवेलेबल हो जाती है और मैं अपस्टॉक का ऑनलाइन ऑथराइज्ड मार्केटिंग पार्टनर हूं, तो आप अपस्टॉक का अकाउंट जो है इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर जाकर ओपन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड 108626 यूज करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके का आपको आइकन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना चाहते तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जीरोधा का, ये सारी डिटेल्स जो है अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग लिंक और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मेरे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और आपको मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन करवाना है तो एक खास ध्यान रखिए कि आप अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस और पैन नंबर किसी के साथ में भी शेयर मत करिए क्योंकि आजकल जीरोधा के बहुत सारे मार्केटिंग पार्टनर हो गए, तो बहुत से लोग गलत तरीके से आपकी डिटेल्स ले लेते हैं और रजिस्टर कर देते हैं, फिर आपका अकाउंट जो है वो मेरे अंडर ओपन नहीं हो पाएगा और किसी एक्स पर्सन को जिसको आप जानते भी नहीं है वो आपका बेनिफिट उठाता रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि ऑप्शंस के अंदर ये जो मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट बताया उसको यूज करके आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को या अपनी एनालिसिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ तरीका, ये कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, 100% काम करेगा ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन डेटा को यूज करके, इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करके आप अपने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा सकते हैं और लॉस के चांसेस कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं और उसको किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। जनरली अगर इस चीज को लेके ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, या अभी तक जो मैंने बताया इस वीडियो में, या जो मैं ये स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, तकरीबन इसकी कॉस्ट अगर आप मार्केट में कहीं पे किसी क्लासेस में सीखने जाएंगे तो 5-10 हज़ार रुपये बैठेगी,
लेकिन मैं यहाँ पे आपकी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को फ्री में शेयर करूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर ये आपको स्ट्रेटेजीज पसंद आई हो तो इस इन्फॉर्मेशन को, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो उन टिप्स प्रोवाइडर या एक्स वाई जेड लोग जो भगवान का नाम ले लेके अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना बना के बेचते रहते हैं, या जो अलग अलग क्लासेस करते हैं और ऊपर यूट्यूब पे फ्री में चीजें डालते हैं और बैकएंड में 25-25 हज़ार रुपया अपना ट्रेडिंग कोर्स का लेते हैं, तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए और ये सारी चीजें जो है वो फ्री में यूज कर सके, फ्री में सीख सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस डेटा को यूज करके आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर कॉल के अंदर आपका लॉन्ग बिल्डअप आपको दिखाई देता है और शॉर्ट के अंदर और पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देता है, मतलब कॉल को लोग बाय कर रहे हैं, मतलब कॉल के अंदर पोजीशंस बढ़ती जा रही है, लॉन्ग बिल्डअप होता जा रहा है और पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब पुट के अंदर राइटिंग हो रही है, उस केस में डेफिनेटली कॉल के अंदर बाइंग हो रही है और पुट के अंदर सेलिंग हो रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको भी वही करना है, आपको कॉल बाय करनी है या पुट को सेल करना है, या फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ बुलिशनेस। ये हो गई स्ट्रेटेजी नंबर वन, यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट डेटा, ऑप्शन डेटा और ओपन इंटरेस्ट डेटा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अगर कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब कॉल के अंदर सेलिंग हो रही है और पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब पुट में भी सेलिंग हो रही है, दोनों के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है। उस केस में आप भी क्या कीजिए, आप कॉल और पुट दोनों को सेल कर दीजिए और उसका प्रीमियम बैठ के खाइए, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। अगर आपके पास में उतना मार्जिन मनी नहीं है, आप अगर छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, आप कॉल और पुट दोनों को सेल नहीं कर सकते, तो उस केस में आप चुप बैठे रहिए, आप कुछ मत कीजिए, आप कॉल और पुट बाय मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होना है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े लोग कॉल को भी सेल कर रहे हैं, पुट को भी सेल कर रहे हैं, आपका पूरा प्रीमियम खा जाएंगे वो लोग। तो आप ट्रेड ही मत कीजिए, और आपको अगर पैसा कमाना है उस डायरेक्शन में तो आप कॉल एंड पुट दोनों सेल कर दीजिए, दोनों का प्रीमियम कम होगा, टाइम वैल्यू कम होगी, आप उसका प्रीमियम खाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जो है, ये सिंबल जो है आपको रेंज बाउंड मार्केट की इंडिकेशन देता है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अगर लॉन्ग लिक्विडेशन है, मतलब कॉल के अंदर लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई देता है और पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देता है आपको, इसका मतलब कॉल के अंदर लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं और शॉर्ट के अंदर पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब बेसिकली मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगा या नेगेटिव जाएगा, क्योंकि लोग पुट के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं, मतलब शॉर्ट करते जा रहे हैं पुट को। ठीक है, तो या तो मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि पुट के अंदर वो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं और लॉन्ग लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग के अंदर वो पोजीशन बना नहीं रहे, वो लॉन्ग को अभी जो उन्होंने सेल करके रखा था उसको धीरे 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 अपनी वापस खरीद रहे हैं, मतलब सॉरी जो कॉल के अंदर उन्होंने खरीद के रखा था उसको धीरे 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 बेच रहे हैं और शॉर्ट पुट के अंदर नई सेलिंग करते जा रहे हैं, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं मार्केट को गिराने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी गिराएंगे नहीं मार्केट को, वो पहले अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो तब तक अगर आप चाहें तो चुपचाप बैठे रह सकते हैं, या फिर आप अगेन कॉल और पुट दोनों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है थर्ड वाली, ये बुलिशनेस की तैयारी हो रही है। आप समझ लीजिए, अगर आपको लॉन्ग लिक्विडेशन नजर आ जाए कॉल के अंदर और पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप नजर आ जाए, मतलब समझ लीजिए कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आप या तो चाहें तो दूर रहिए थोड़ी देर मार्केट से, या आप कॉल और पुट दोनों सेल करके उसका प्रीमियम खाइए, क्योंकि थोड़ी देर मार्केट रेंज बाउंड ही चलेगा, और लेकिन कभी भी वो अप ट्रेंड की तरफ मूव हो सकता है। ठीक है, या तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल, मतलब सेलिंग कॉल एंड पुट, या फिर आप कॉल को धीरे 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 एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। ये थर्ड वाली स्ट्रेटेजी में आप ये कर सकते हैं, थर्ड वाले सिनेरियो में। फोर्थ वाले सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब कॉल के अंदर लोग राइट कर रहे हैं, कॉल को सेल कर रहे हैं और पुट के अंदर बाय कर रहे हैं, मतलब पुट जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब पुट को जो बाय करके रखा था उसको सेल कर रहे हैं। इस केस में भी मतलब कॉल के अंदर सेलिंग हो रही है और पुट के अंदर जो सेलिंग हो रही है एग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन जो जिन्होंने बाय करके रखा था वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि अब मार्केट जो है नीचे जाने वाला है, इसीलिए वो अपनी कॉल के अंदर सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं और पुट में जो लॉन्ग करके रखा था उसको धीरे धीरे ऑफलोड कर रहे हैं। तो जब तक वो अपनी लॉन्ग पोजीशन ऑफलोड नहीं करेंगे पुट की, वो मार्केट को गिराएंगे नहीं, लेकिन अब वो तैयारी कर रहे हैं मार्केट को गिराने के लिए। इस केस के सिनेरियो में अगेन ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट की इंडिकेशन देता है, या फिर नेगेटिव,
मतलब रेंज बाउंड टू नेगेटिव, मतलब रेंज बाउंड रहेगा और कुछ समय और फिर अचानक से एकदम नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। तो इस केस में या तो आप कॉल एंड पुट वापस सेल कर सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम खा सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर ही रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद में गिरना शुरू होगा, या फिर आप धीरे 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 करके अपनी पुट की जो पोजिशन है वो बढ़ा सकते हैं, पुट को बाय करते जा सकते हैं धीरे धीरे धीरे। ओके, सो ये फोर्थ वाला सिचुएशन हो गया। और फिफ्थ वाली सिचुएशन ये है कि कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब कॉल के अंदर लोग सेलिंग कर रहे हैं और पुट के अंदर सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पे, यहाँ पे जो है ये जो है पूरा इसका ऑपोजिट रहेगा। एक दो मिनट दीजिए, ठीक है ये हो गया। ओके, तो फिफ्थ वाली कंडीशन ये है कि अगर पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब लोग पुट के अंदर बाइंग आपकी पोजीशन बढ़ती जा रही है और कॉल के अंदर आपको शॉर्ट बिल्डअप का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है अब बेरिश हो रहा है, लोग पुट बाय कर रहे हैं ज्यादा और कॉल सेल कर रहे हैं ज्यादा, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। ओके, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो बाइंग, या तो आप पुट को बाय कर सकते हैं, या कॉल की राइटिंग कर सकते हैं, सेल कॉल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ बेरिश मार्केट। सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ वाला क्या है, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन नजर आता है, ये जो मैंने पांच सिनेरियो बताया, अगर इसके अलावा कोई छठा सिनेरियो आपको नजर आ जाता है तो बेटर है चुप बैठिए आप, वो मार्केट को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं या मार्केट एनालिसिस के मूड में नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप चुपचाप बैठ जाइए, उसको कुछ मत ट्रेड मत कीजिए। आई मीन दैट इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन, आप फिर भी चाहें तो कुछ जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से, इस एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस काइंड ऑफ सिनेरियो में आपको नहीं करना चाहिए ट्रेड, आप उससे दूर रहिए। जब तक आपको इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब तक आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ओके, अब इसी को मैं आपको अपस्टॉक के अंदर बता देता हूँ कि किस तरीके से ये सिचुएशन होती है। और अब आपको मैं बताता हूँ, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 2 नवंबर का दिन है, थर्सडे वाला दिन है जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, और अभी कल फ्राइडे का दिन आने वाला है और आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। ठीक है, आप देख लेते हैं एक सेकेंड निफ्टी क्या चल रही है। निफ्टी जो है 10,400 के आसपास चल रही है, तो जब आप ऑप्शन चेन यहां से ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको वो 10,400 के आसपास लाके खड़ा कर देगा। तो आपको जो है यहां से स्क्रॉल करके 10,400 को जो है एकदम सेंटर में लेके आना है। ये देखिए 10,400 को आपको एकदम सेंटर में लेके आना है और फिर आपको देखना है कि अब इसके अंदर क्या पोजिशन बन रही है। तो अब आप ये ध्यान से देखिए कि ये जो ये वाली राइट साइड वाला साइड है वो पुट का साइड है और लेफ्ट वाला साइड जो है वो कॉल का साइड है। ओके, अब कॉल के अंदर आप देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है इन सारी कॉल्स के अंदर, मतलब जो नीचे प्राइस की जो इन द मनी जो कॉल थी वो सारों में लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, मतलब लोगों ने जिन्होंने बाय करके रखा था अब उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं, और जिन्होंने पुट के अंदर बाय करके रखा था वो अब सेलिंग कर रहे हैं, नहीं शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। ये देखिए ये इन द मनी पुट हो गई, सॉरी ये आउट ऑफ द मनी पुट है, आउट ऑफ द मनी पुट के अंदर उन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया, मतलब आउट ऑफ द मनी पुट को उन्होंने सेल किया है। तो इनको लग रहा है, बड़े लोगों को लग रहा है कि मार्केट 10,200 तक इतना जल्दी नहीं जाएगा, या 10,250 तक इतना जल्दी नहीं जाएगा, या 10,350 तक इतना जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन अब यहां पे देखिए 10,400 क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी 10,423, ठीक है, तो निफ्टी जो है 10,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट देखिए क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब लोग पुट खरीद रहे हैं 10,400 की, मतलब लोगों को लग रहा है 10,400 तो अभी फटाफट से आ जाएगा, और साथ ही साथ 10,450 की जो कॉल है, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल, अभी 10,200 चार सौ बीस चल रहा है इंडेक्स तो, और 10,450 की जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई, उसके अंदर क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये कौन सा सिनेरियो आ गया कि कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो ये वाला जो सिनेरियो है इससे आपको क्या पता चलता है, कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप, पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप, पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप।
ये पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट के अंदर कॉल, कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप, मतलब ये फिफ्थ वाला सिनेरियो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आप पुट बाय कर लीजिए या कॉल सेल कर दीजिए या फ्यूचर सेल कर दीजिए, इट इज अ साइन ऑफ बेरिशनेस। आप अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन आई कैन बी वेरी श्योर कि कल मार्केट जो है नेगेटिव ओपन होगा। फ्राइडे के दिन 3 नवंबर के दिन मार्केट शायद से नेगेटिव होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव ओपन होगा, और वो 10,400 से लेके 10,350 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 10,400 की जो पुट है उसको बाइंग हुई है और सारी इन द मनी जो पुट है उनमें सारों में बाइंग हुई है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, उसके अंदर पोजीशन बढ़ाई गई है, ओके। और आउट ऑफ द मनी जो कॉल थी उसके अंदर सेलिंग करी गई है ताकि उसका टाइम वैल्यू खाया जा सके, उसका प्रीमियम खाया जा सके। और क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल की प्राइस डबल स्पीड से कम होगी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम होगी, उसकी टाइम वैल्यू भी कम होगी। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। तो आप समझ लीजिए कि मोस्टली जो है मार्केट 3 नवंबर फ्राइडे के दिन मार्केट नेगेटिव में ओपन होगा। अब हालांकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे वाली जो कॉल है, जो पुट है 10,200 की जो पुट है, 10,250 की जो पुट है, 10,350 की जो पुट है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इसके अंदर भी राइटिंग हुई है। मतलब 10,350 के अंदर राइटिंग हुई है और 10,450 के अंदर राइटर, मतलब 10,350 की कॉल के अंदर, पुट के अंदर सेलिंग हुई है और 10,450 की कॉल के अंदर भी सेलिंग हुई है। मतलब मार्केट 10,350 से 10,450 के बीच में रहने की गुंजाइश है, और साथ ही साथ 10,400 के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और 10,400 की कॉल के अंदर लॉन्ग वाइंडअप हुआ है। मतलब डेफिनेटली ऊपर तो जाएगा नहीं 10,400 से, ये 10,400 के नीचे ही जाने की पूरी तैयारी है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि साथ में पुट के अंदर में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन मार्केट नीचे जरूर जाएगा। हो सकता है 10,400 जाए, 10,350 तक चला जाए, 50-70-80 पॉइंट तक गिर सकता है, मतलब 20 पॉइंट से 25-80 पॉइंट तक निफ्टी गिर सकता है फ्राइडे वाले दिन 3 नवंबर के दिन। अभी तो मैंने मार्केट देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ डेटा देखकर लाइव बता रहा हूँ कि अगर ये मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल नीचे जाएगा। फिर भी देखते हैं, हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है, कोई 100% तरीका नहीं है। ये आपको मदद करेगा मार्केट की ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, अपने लॉस मिनिमाइज करने में और प्रॉफिट बढ़ाने में, ठीक है। तो 25,000 उन XYZ लोगों को मत दीजिए जो YouTube पे तो फोकट में ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब आप उनको फोन करेंगे तो बोलेंगे हमारी कोर्स की फीस 25,000 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे झूठ फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए, और ये जो चीज है इन्हीं चीज के लिए कम से कम वो शायद 20,000 से 25,000 रुपया चार्ज कर ले इसी तरीके के इंफॉर्मेशन देने के लिए जब आप उनके ट्रेनिंग्स वगैरह में जाए। तो ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ समझ में आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इन चीजों को अपने सोशल मीडिया, अपने बाकी लोगों से तक भी पहुंचाइए। नॉलेज सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि हो सकता है जब आप नॉलेज शेयर करेंगे तो सामने वाला आपको 2 नए कमेंट्स देगा, 2 नई और इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप हमेशा इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहिए और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाते रहिए। तो ये मेरा मकसद था इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का। और जाने से पहले अगेन, मेरा अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो यू मेरा इंट्रोड्यूसर कोड नोट कर लीजिए 108626। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड है ZMPSSL, इस चीज का ध्यान रखिए। और जाने से पहले एक और चीज, आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हमें टाइम नहीं होता, हम पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स फलाना ढिमका इन चीजों के पीछे अपना पैसा और हेल्थ खराब कर रहे हैं। ईट हेल्दी लिव हेल्दी, अच्छा सा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जी खाइए, तरकारी खाइए, अच्छी चीजें खाइए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए ताकि और ज्यादा साल आप जी सके और अपने देश को फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में मदद कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले और भी कुछ अच्छे काम करते रहिए, जीव दया करते रहिए, प्राणियों के प्रति भी अपनी सहानुभूति और अपनी करुणा दिखाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अगेन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिली होगी इससे, और अपनी ये इन्फॉर्मेशन आगे भी शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।